इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो किए जाने वाले दो मशरूम बटन एंड ऑयस्टर मशरूम को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब पेरिस्ट्रा मशरूम के बारे में जानेंगे। पेरिस्ट्रा मशरूम को चाइनीज़ मशरूम भी कह सकते हैं। ये वॉल्वेरिएला जीनस के मशरूम हैं। इस वीडियो में हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जीनोम मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल एंड कल्टिवेशन टेक्निक के बारे में जानेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ जीनस वॉल्वेरिएला, किंगडम फंजाई, फाइलम बेसिडियोमाइकोटा। हम जानते हैं कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 90% मशरूम इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं। केवल 10% ही ऐसे हो सकते हैं जो कि एक्सकोमाइकोटा या अदर फाइलम से बिलोंग करे। इसलिए कंपटीशन का एक क्वेश्चन भी बनता है कि मशरूम की फ्लोटिंग बॉडी या एडिबल पोर्शन को क्या कहते हैं, तो उसे बैसिडियोकॉप कहते हैं। इसका क्लास एगेरिकोमाइसिटीज, ऑर्डर एगेरिकल्स। यहाँ तक हमने जितने भी मशरूम पढ़े थे पिछले सेशन में, क्लासिफिकेशन यहाँ तक काफ़ी मैच करता है। बस फैमिली चेंज होती है। बटन मशरूम में फैमिली एगेरिकेसी थी, ओस्टर में प्लूरोटेशी और यहाँ पर फैमिली प्लूटेशी है। जीनस वॉल्वेरिएला। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरिस्ट्रा मशरूम। पेरिस्ट्रा मशरूम बीइंग द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्टिवेटेड मशरूम एंड कवर 16% ऑफ टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन, इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स प्लीजेंट फ्लेवर एंड टेस्ट। द जीनस हैव 50 कॉस्मोपोलिटन स्पीसीज बट सम ऑफ देम आर एडिबल। पेरिस्ट्रा मशरूम यानी कि वॉल्वेरिएला वॉल्वेशिया फ्लेवर एंड टेस्ट में विश्व में तीसरा मोस्ट कल्टिवेटेड मशरूम है, जो कि कुल मशरूम का लगभग 60% भाग कवर करता है। इसकी लगभग 50 स्पीसीज नोन हैं, ज्ञात हैं, और इसमें से कुछ ही हैं जो एडिबल हैं। इट इज़ कल्चर्ड इन राइस स्ट्रॉ और पैडी स्ट्रॉ, सो दे आर कॉल्ड पैडी स्ट्रॉ मशरूम। इसे पैडी स्ट्रॉ पर कल्चर किया जाता है, इसलिए इसे पैडी स्ट्रॉ मशरूम कहते हैं। पैडी स्ट्रॉ मशरूम इज़ ऑल्सो नोन एज वार्म और ट्रॉपिकल मशरूम बिकॉज इट ग्रोज इन रिलेटिवली हायर टेम्परेचर, मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट लाइक बटन एंड ऑयस्टर मशरूम्स। पेरिस्ट्रा मशरूम को वार्म या ट्रॉपिकल मशरूम भी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यह अदर मशरूम के कंपेयर में इसे हायर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। यदि हम कंपेयर करें ऑयस्टर मशरूम से, तो इसे ऑयस्टर मशरूम को 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड और बटन मशरूम को 22-25 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि पेरिस्ट्रा मशरूम को 32-34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इन डीएनए सीक्वेंसेस द जीनस वॉल्वेरिएला इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू मशरूम सीजोफाइलम कमिनी, हाई मेडिसिनल वैल्यू एंड एरोमेटिक टेस्ट। यदि हम इस मशरूम की मॉलिकुलर स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि डीएनए सीक्वेंस में वॉल्वेरिएला मशरूम लगभग सिमिलर होते हैं सीजोफाइलम कमिनी, जो कि एक हाई मेडिसिनल वैल्यू वाला मशरूम है, और एरोमेटिक टेस्ट भी ये दोनों के सिमिलर होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ क्लोजली सिमिलर इन अपीयरेंस टू द डेथ कैप मशरूम अमनीटा फैलॉइड्स इन बटनिस्टीज कंसिडर्ड द बेस्ट स्टेज टू कलेक्ट वॉल्वेरिएला फॉर कंजम्पशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूनिवर्सल व्हील। अनफॉर्चुनेटली बटनिस्टीज, जो कि सभी मशरूम का एक आइडियल हार्वेस्टिंग एंड कलेक्टिंग टाइम होता है, उसमें यह बिल्कुल डेडली मशरूम अमनीटा फैलॉइड्स के जैसे दिखते हैं। ये किस कारण से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूनिवर्सल व्हील, क्योंकि ये यूनिवर्सल व्हील से ढके होते हैं, जो कि काफ़ी सिमिलर होते हैं। दीज आर फास्ट ग्रोइंग मशरूम्स, होल लाइफ साइकिल आर कंप्लीटेड इन 14-18 डेज। ये फास्ट ग्रोइंग मशरूम होते हैं क्योंकि इनकी पूरी लाइफ साइकिल 14-18 दिनों में ही खत्म हो जाती है। कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ वॉल्वेरिएला आर वॉल्वेरिएला वॉल्वेशिया, वॉल्वेरिएला बॉम्बिशिना, वॉल्वेरिएला ग्लैशिफेलस एसेट्रा। आउट ऑफ दीज वॉल्वेरिएला वॉल्वेशिया आर वाइडली ग्रोन। जनरल मॉर्फोलॉजी, कैप 8-10 सेंटीमीटर ब्रॉडली कॉन्वेक्स टू लाइटली अम्बोनेट। कैप 8-10 सेंटीमीटर चौड़े और ब्रॉडली कॉन्वेक्स, लाइटली अम्बोनेट। इसे बॉम्बिशिना स्पीसीज में देख सकते हैं। एक लाइट नॉफ से स्ट्रक्चर पाइलियस के टॉप पर प्रेजेंट होता है। वाइट इन अर्ली स्टेज, आफ्टर मेच्योरिंग ग्रे एंड डार्क ग्रे इन स्पीसीज वॉल्वेशिया, वाइट इन बॉम्बिशिना एंड ब्राउन ग्लैशिफेलस। अर्ली स्टेज में ये वाइट एंड लाइट कलर्ड होते हैं, मैच्योरिंग स्टेज में इनका कलर डार्क हो जाता है। ग्रे टू डार्क ग्रे वॉल्वेशिया स्पीसीज में, वाइट बॉम्बिशिना में एंड ब्राउन ग्लैशिफेलस। स्टाइप 5-20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड फ्लैसी, वाइट टू क्रीमी, लाइट इन कलर। स्टाइप 5-20 सेंटीमीटर लंबे,
और फ्लैसी वाइट टू क्रीमी यानी कि लाइट कलर्ड होते हैं। एनुलस अब्सेंट होता है। गिल्स आर फ्री टाइप वाइट टू पिंकिस अकॉर्डिंग टू स्पीसीज। गिल्स फ्री टाइप के होते हैं यानी कि एस टाइप से अटैच नहीं होते हैं और इनका कलर स्पीसीज के अकॉर्डिंग वाइट से पिंक के बीच में होता है। बेसिडियस स्पोर्स प्रोड्यूस ऑन बेसिडियम 4 इन नंबर पिंकिश टू ब्राउन इन कलर। बेसिडियस स्पोर संख्या में 4 होते हैं। प्रत्येक बेसिडियम पर 4 बेसिडियस स्पोर बनते हैं। ये पिंकिश टू ब्राउन कलर के होते हैं। वॉल्वा डार्क कलर सैक लाइक थिक वॉल्वा प्रेजेंट इन बीज। बेसिकली मशरूम विथ वॉल्वा आर नॉन एडिबल एंड पॉइजनस बट दिस वन इज एडिबल। वॉल्वा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो मशरूम के बीज में प्रेजेंट होता है। बेसिकली मशरूम विथ वॉल्वा आर नॉन एडिबल एंड पॉइजनस बट दिस वन इज एडिबल। मशरूम का एक कैरेक्टर है कि अगर वॉल्वा प्रेजेंट हो तो मशरूम नॉन एडिबल यानी कि पॉइजनस होता है, जबकि ये एडिबल होते हैं। ये एक एक्सेप्शन है। द एलोंगेशन स्टेज अकर्स आफ्टर द यूनिवर्सल व्हील ब्रेक एंड एक्सपोजिंग द स्टॉक एंड द कैप। जब मशरूम की बॉडी एक्सपोज या एक्सपेंड होती है तो यूनिवर्सल व्हील ब्रेक हो जाता है। इसी स्टेज को हम एलोंगेशन स्टेज कहते हैं। इसे दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि यूनिवर्सल व्हील के ब्रेक होने पर स्टॉक एंड कैप एक्सपोज या अपीयर होना स्टार्ट होते हैं। इन लास्ट स्टेज मैच्योरेशन स्टेज मशरूम कैप्स आर फुल्ली एक्सपेंडेड एंड टैंड। गिल्स स्टार्ट टू प्रोड्यूस बेसिडियस स्पोर ऑन देयर सरफेस। लास्ट में जब मशरूम अपने कंप्लीट स्ट्रक्चर और कलर को गेन कर लेता है तब गिल्स पर बेसिडियस स्पोर बन। फिगर में ये मशरूम का पिनहेड स्टेज है और ये बटन स्टेज, ये एलोंगेशन स्टेज जबकि यूनिवर्सल व्हील ब्रेक हो रहा है और यह फुल्ली एक्सपोज्ड स्टेज यानी कि मैच्योरेशन स्टेज है। कमर्शियल बेस पे लाइफ साइकिल सबस्ट्रेट पर स्प्रेड किए हुए माइसीलियम से स्टार्ट होती है। सबसे पहले पिनहेड्स बनते हैं। ये पिनहेड्स नरिशमेंट से अपना साइज इंक्रीज करते हैं तो बटन फॉर्मेशन होता है। यही स्टेज हार्वेस्टिंग के लिए आइडियल होता है जबकि पूरी बॉडी यूनिवर्सल व्हील से ढकी होती है। मशरूम के और एक्सपेंड होने पर यूनिवर्सल व्हील ब्रेक हो जाती है और इस स्टेज को हम एलोंगेशन स्टेज कहते हैं। एलोंगेशन स्टेज के बाद जब मशरूम अपना फुल स्ट्रक्चर गेन करता है तो उसे हम मैच्योरेशन स्टेज कहते हैं। कल्टिवेशन टेक्निक पेडिस्ट्रॉ मशरूम को ग्रो करने के लिए डिफरेंट मैथड्स फॉलो किए जाते हैं लाइक कन्वेंशनल मैथड, इम्प्रूव्ड केस मैथड, आउटडोर मैथड, इंडोर मेथड, सर्कुलर मेथड, इंडिजिनस चाइनीज मेथड। आउट ऑफ दीज टू मेथड्स आर बेस्ट फॉर यूज आउटडोर एंड इंडोर मेथड। आउटडोर मेथड पेडिस्ट्रॉ एज सबस्ट्रेट। सबसे पहले हम पेडिस्ट्रॉ को फॉर्म से कलेक्ट करते हैं। सोक पेडिस्ट्रॉ इन रनिंग वाटर, वाटर में इसे सोक कर देते हैं। सॉफ्ट होने के बाद प्रिपरेशन ऑफ बेड एंड स्पॉनिंग, बेड का प्रिपरेशन करते हैं और उसकी स्पॉनिंग करते हैं। कवरिंग द स्ट्रॉ बेड्स बाय ड्राई स्ट्रॉ प्लास्टिक सीव। स्पॉनिंग कंप्लीट होने के बाद हम एक लेयर ड्राई स्ट्रॉ स्प्रेड करते हैं, देन होल बेडिंग मटेरियल को प्लास्टिक सीड से कवर कर देते हैं। माइसीलियम कोलोनाइजेशन, माइसीलियम के पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो जाने के बाद फ्लोटिंग बॉडी बनना स्टार्ट होती है, फर्टिफिकेशन होता है, देन हार्वेस्टिंग। क्योंकि हम जानते हैं इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी है तो 10 से 15 दिन में इसकी पहली हार्वेस्टिंग। द बेस्ट प्लेस टू कल्टिवेट पेडिस्ट्रॉ मशरूम इज आउटडोर इन शेड ऑफ ट्रीज और ग्रोइंग क्रीपर्स। आउटडोर मेथड में सबसे अच्छा प्लेस पेड़ या ग्रोइंग क्रीपर्स, ग्रोथ करते हुए क्रीपर्स के छांव में कल्टिवेट करना होता है। पेडिस्ट्रॉ एज सबस्ट्रेट, पेडिस्ट्रॉ और स्टबल कैन बी यूज्ड एज बेडिंग मटेरियल। कलेक्टेड स्ट्रॉ कट इनटू 30-40 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्राइप्स टू मेक बंडल्स ऑफ 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इस मशरूम को ग्रो करने के लिए पेडिस्ट्रॉ या स्टबल धान के पुआल को यूज़ किया जाता है। कलेक्ट किए गए स्ट्रॉ को 30-40 सेंटीमीटर लंबे टुकड़ों में काटकर 10 सेंटीमीटर मोटा एक बंडल तैयार करते हैं। सोक्ड इन रनिंग वाटर, इमर्जिंग ऑफ बंडल्स इन रनिंग वाटर आर 2-5% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन इन अ सीमेंटेड टैंक
for making them soft and pliable. After that, drain off excess water. एक सीमेंटेड टैंक में बंडल्स को ग्रोइंग वाटर या 2-5% कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में सोक कर देते हैं, जिससे पुआल सॉफ्ट प्लायबल यानी कि नरम हो जाते हैं। इसके बाद एक्सेस वाटर को ड्रेन ऑफ यानी निकाल देना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ बेड एंड स्पॉनिंग। प्रिपरेशन ऑफ रेस्ट प्लेटफॉर्म विथ वुडन प्लैंक्स और ब्रिक्स एंड इंसर्ट बैम्बू पोल आफ्टर ईच सेट ऑफ बंडल एंड्स। प्लेटफॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए सॉइल या वुडन प्लैंक्स यानी लकड़ी के तख्तों को यूज करते हैं और हर एक बंडल्स के एंड में एक बैम्बू पोल्स का यूज करते हैं। बने हुए प्लेटफॉर्म पर बंडल्स को बिछा देते हैं। 4 layer ऑफ बंडल्स ड्यूरिंग समर सीजन एंड 7 layer ड्यूरिंग विंटर और रेनी सीजन। समर सीजन में लगभग 4 bundles एंड विंटर सीजन में 7 layers का यूज करते हैं। कवरिंग ऑफ बिट्स। स्प्रेड माइसिलियम क्यूब विथ स्टिमुलेटर वीट ब्रॉन एंड ग्राम पाउडर ऑन ईच लेयर देन टॉपिंग ऑफ बिट विथ ड्राई स्ट्रॉ एंड देन कवर विथ पॉलीथीन सीट। माइसिलियम के क्यूब को स्टिमुलेटर के साथ सभी लेयर पर स्प्रेड कर देते हैं। स्टिमुलेटर के लिए हम वीट ब्रॉन यानी गेहूँ की भूसी, ग्राम यानी चने का पाउडर ऑन ईच लेयर सभी लेयर्स पर स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपरी पोर्शन को ड्राई स्ट्रॉ से ढक देते हैं। फिर ऑल बेडिंग मटेरियल को पॉलीथीन सीट से कवर कर देते हैं। मेंटेन द टेम्परेचर 32-34°C। टेम्परेचर को 32-34 degrees तक मेंटेन करते हैं। स्प्रेइंग ऑफ वाटर ऑन 6th day आफ्टर केयरफुल रिमूविंग ऑफ पॉलीथीन सीट। 6th day पर पॉलीथीन सीट को केयरफुली रिमूव कर देते हैं और पानी का छिड़काव यानी वाटर स्प्रिंग कर देते हैं। माइसिलियम कोलोनाइजेशन ड्यूरिंग दिस फेज मेंटेन द टेम्परेचर एट 28-30°C। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80%। प्रोवाइड फ्रेश एयर। माइसिलियम बनने के समय हमें 28-30°C टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। 80 degrees। मशरूम शुड बी हार्वेस्टेड एट बटन स्टेज। मशरूम को बटन स्टेज में ही हार्वेस्ट कर देना चाहिए क्योंकि फुल मैच्योर होने पर मशरूम की न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है। इंडोर मेथड। बेडिंग मटेरियल के लिए हम पैडी स्ट्रॉ या कॉटन वेस्ट दोनों का यूज़ कर सकते हैं। कंपोस्टिंग। इनका हम कंपोस्ट तैयार करते हैं। मिक्सिंग ऑफ राइस ब्रान। इसमें धान की भूसी मिक्स करते हैं कंपोस्ट में और फर्मेंटेशन कंप्लीट होने के बाद फिलिंग एंड पाश्चराइजेशन करते हैं। देन स्पॉनिंग करते हैं एंड स्पॉन रनिंग कंप्लीट होने के बाद फ्लोटिंग बॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। व्हील ब्रेक होने से पहले यानी कि बटन स्टेज में ही इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। सबस्ट्रेट। कॉटन वेस्ट इज़ द बेस्ट सबस्ट्रेट दैन पैडी स्ट्रॉ बिकॉज इट कंटेन्स मोर सेलोज एंड हेमीसेलोज एंड गुड मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी विच मिनिमाइज द वाटर रिक्वायरमेंट इन लास्ट स्टेज ऑफ क्रॉपिंग। बिट प्रिपेयर करने के लिए हम पैडी स्ट्रॉ का यूज करते हैं, लेकिन कॉटन वेस्ट को भी एक अच्छा सबस्ट्रेट माना जाता है क्योंकि इसमें सेलोज एंड हेमीसेलोज की जो अमाउंट होती है वो अधिक होती है पैडी स्ट्रॉ से और इनकी मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी भी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, जिससे कि क्रॉपिंग के लास्ट या फ्रूटिंग के लास्ट में वाटर की रिक्वायरमेंट। कंपोस्टिंग एंड मिक्सिंग ऑफ राइस ब्रान। सोक द बंडल्स इन 1% लाइम वाटर फॉर 12 hours। द पाइल इज मेड विथ वेट कॉटन वेस्ट एंड लिफ्ट टू फर्मेंट इन द ओपन। फर्स्ट टर्निंग आफ्टर 2 days एंड 5% ब्रान इज राइस ब्रान इज मिक्सड इन केस ऑफ पैडी स्ट्रॉ सबस्ट्रेट। अगेन पाइल इज लेफ्ट फॉर फर्मेंटेशन फॉर नेक्स्ट 2 days। बंडल्स को 1% लाइम वाटर में 12 घंटे के लिए भिगो देते हैं। पाइल यानी बेडिंग मटेरियल यदि कॉटन वेस्ट से बना हो तो उसे खुले स्थान पर रख देते हैं फर्मेंट होने के लिए और पहली पलटाई 2 दिन बाद करते हैं। और यदि पैडी स्ट्रॉ से हम पाइल बना रहे हैं तो 5% उसमें धान का भूसा भी ऐड करते हैं। पाइल को फिर से 2 दिन के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देते हैं। फिलिंग एंड पॉइस्चराइजेशन। द कंपोस्ट इज स्प्रेड ऑन प्लेटफॉर्म इन द रूम विद सुटेबल थिकनेस 5-10 cm अकॉर्डिंग टू सीजन। कंपोस्ट को प्लेटफॉर्म पर स्प्रेड कर देते हैं और इनकी थिकनेस लगभग 5-10 cm
सीजन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसा कि आउटडोर मेथड में मैंने बताया था कि समर सीजन में इनकी थिकनेस कम और विंटर और रेनी सीजन में थिकनेस ज़्यादा रखी जा सकती है। ऐसा हम टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए करते हैं। आफ्टर 8 to 12 आवर्स ऑफ कंपोस्ट स्प्रेडिंग स्ट्रीम इज इंट्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ रबर होस एंड इंक्रीज द टेम्परेचर एट 62 डिग्री सेंटीग्रेड 2 आवर्स फॉर कॉटन वेस्ट कंपोस्ट एंड 65 डिग्री सेंटीग्रेड 6 आवर फॉर पैडी स्ट्रॉ कंपोस्ट। 8 से 12 घंटे बाद रबर होस रबर पाइप की मदद से स्ट्रीम के थ्रू टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। कॉटन वेस्ट कंपोस्ट में 2 घंटे के लिए 62 डिग्री सेंटीग्रेड एंड पैडी स्ट्रॉ मशरूम के लिए 6 घंटे में 65 डिग्री टेम्परेचर मैनेज करते हैं। After streaming, the room is closed with 50 degrees centigrade temperature for 24 to 36 hours and followed by natural cooling. The compost is spawned on reaching the temperature near 35 degrees centigrade. भाप देने के बाद हम रूम का टेम्परेचर 24 से 36 घंटे के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देते हैं और इसके बाद अपने आप कूल होने के लिए छोड़ देते हैं और 35 डिग्री टेम्परेचर पहुँचने पर स्पॉनिंग की जाती है। Spawning and spawn running. The spawn are placed in compost and covered with polythene sheet. Maintain the temperature 32 to 34 degrees centigrade for 4 to 6 days. Spawning करने के बाद compost को polythene sheet से ढक दिया जाता है और 32 से 34 degrees temperature 4 से 6 दिनों के लिए provide करते हैं. Fructification and harvesting. During spawn running, little ventilation is needed. After 4 to 5 days, plastic seeds remove. Carefully and sprinkling water. Pinhead appears in 5 to 6 days after polythene seed removal. First flowers are harvested in 11 to 14 days. Mycelium बनते समय ventilation की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। 4 से 5 दिन बाद plastic seeds को सावधानी से हटा देना चाहिए और उस पर पानी का छिड़काव करना चाहिए। पॉलीथीन सीट रिमूव करने के 6 दिन बाद पिन हेड दिखना स्टार्ट हो जाता है और 11 से 14 दिन में पहली हार्वेस्टिंग की जाती है।